नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इतिहास में मोहनजोदड़ो जो है उसका विशेष ही महत्व है। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, हमेशा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है इन दोनों का नाम आता ही आता है। तो क्या सभ्यता थी मोहनजोदड़ो की, कहाँ ये, किसने इसकी खोज करी और क्या किस तरीके से इसका पतन हुआ, उसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है इसका यह जो सभ्यता है ये मुख्य रूप से इसलिए फेमस है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन है पहली बात, और दूसरी बात जो है यहाँ की जो नगर निर्माण व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ थी उस समय के हिसाब से। जो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का पहाड़, या मुर्दों के पहाड़ जो हैं उसको कहा जाता है मोहनजोदड़ो। तो इसका ऐसा नाम रखा गया था उस समय क्योंकि वहाँ पे सब जगह टीले ही टीले थे, और इसकी जो खोज की है वो की है रखालदास बंदोपाध्याय जी ने। ये खोज की है इन्होंने 1922 में, और इस खोज में लगभग 40 वर्ष का समय लगा है। मोहनजोदड़ो की बात जब हम करते हैं तो ये मुख्य रूप से इसीलिए फेमस है क्योंकि कई सारे, जब ये खोज हुई है उसके बाद में कई सारे जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, और हमें पता चला है कि किस तरीके से हमारी जो सभ्यता थी कितनी विकसित थी। जिस समय अन्य सभी नगरों में हम देखते हैं कि वो विकासशील थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर हम नगर निर्माण की बात करते हैं तो वह इतने उत्तम नहीं थे, अगर हम जल निकासी की बात करते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं था डेवलप, उस समय जो मोहनजोदड़ो के नगर में जो नगर व्यवस्था देखी गई है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है उस समय के हिसाब से। तो जैसा कि 2600 ईसा पूर्व की बात मैं आपको बता रही हूँ, लगभग ये अंदाज़ा माना गया है कि इतने पुराने जो हैं वो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो इतने पुराने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नगर व्यवस्था की, तो उस समय जैसा कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसी के समकालीन ही माना जाता है ये मोहनजोदड़ो का। और ये कहाँ है, ये है पाकिस्तान के जो अभी वर्तमान में है, ये पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है उसके लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो जो है वो अभी वर्तमान में है। और कई सारे जो अवशेष हैं, किस कई सारी चीज़ों के अवशेष पाए गए हैं। तो नगर में जो व्यवस्था है, जैसी चौड़ी सड़कें, चारों तरफ घर बने हुए हैं, तो उस समय जहाँ पे यूरोप के जो लोग पहले जहाँ जंगलों में रहते थे, रहने के अच्छे से ठिकाने नहीं थे, उस समय में पक्के नगर, पक्के जो मकान हैं उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो में। और जो नगर है इस तरीके से घर बने हुए हैं कि जो पानी का जो निकास है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि वर्तमान स्थिति में भी कई जगह हमको ऐसा देखने को मिल जाता है कि जो जल का निकासी व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं हो पाती, परंतु जो उस समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें जल निकासी जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही अच्छी है। ताकि इससे हमें ये पता चलता है कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था, तभी है कि जो घर के बाहर नालियाँ बना रखी हैं वो इतनी ज़्यादा सटीक, सही, और कहा जाता है कि बहुत ही गणितज्ञ थे उस समय के लोग, जो कि जिन्होंने बहुत ही हिसाब से घरों का निर्माण किया है, नालियों का निर्माण किया है, जल निस्तारण का जो पूरी योजना बनाई है उन्होंने काफ़ी दिमाग लगा के बनाई है। इसके अलावा और भी चीज़ जो देखने को मिली है वो मिला है वहाँ का जो फेमस है मोहनजोदड़ो का, वो है महास्नान घर। महास्नान घर को हम आजकल की भाषा में स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं कि उन्होंने सभी लोगों के लिए स्विमिंग पूल टाइप का सा जो बीच में है वो बना रखा है। और वो केवल इसी तरीके से नहीं बना रखा कि ओनली पानी भर दिया, और उसके चारों तरफ उन्होंने सीढ़ियों का निर्माण किया है, तो बिल्कुल उसका जो लुक देखने को मिलता है, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो अभी हम उसको देखते हैं तो आज भी हमको ताज्जुब होता है कि इतने पुराने लोगों के माइंड में इतनी सारी जो तकनीक है किस तरीके से उन्होंने बनाया होगा। क्योंकि उस समय ना तो टेक्नोलॉजी जो थी, जैसे आज तो बहुत कई सारी मशीनरीज का हम प्रयोग करते हैं, परंतु लोगों ने इतने, उनकी जो कलाकारी देखते हैं तो वो वास्तव में बहुत ही अमेजिंग है कि इस तरीके के जो अवशेष हैं वो अन्य जगह पर कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं। ये भी मेन कारण है। कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे कि नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कई सारे हिरणों की और कई जानवरों के जो हमको चित्र प्राप्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि कला की दृष्टि में भी वो काफ़ी वहाँ के लोग निपुण हुआ करते थे उस समय में।
अगली अगर हम बात करें मुद्राओं की, तो मुद्राएं भी हैं जैसे तांबे की और कई सारे जो लोहा जो है उसका प्रयोग दिखा है। तो इन चीज़ों में भी लोग जो थे वो दक्ष थे। मुद्राओं के पे जो लिपि लिखी गई है उस समय चित्रात्मक लिपि जो थी वो प्रयोग में ली जाती थी, जो भाषा का आम तौर पर चित्रों के माध्यम से वो वार्तालाप करते थे या अपने जो व्यूज़ हैं वो लोगों तक पहुँचाते थे। और कई सारी चीज़ें और भी देखने को मिली हैं इन घर वगैरह इनके, जैसे कि आभूषण। अगर आभूषण की बात करें तो अंगूठी, नथ, गले में पहनने के कई सारे तरह तरह के आभूषण जो हैं, हाथ में पहनने के कई सारे आभूषण जो हैं वो भी इसमें प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहा जाता है एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसको कई लोग शिव जी की बताते हैं। तो मतलब कला की दृष्टि से कह लीजिए, वास्तु दृष्टि से कह लीजिए, अगर गणितज्ञ देखें, बुद्धि की दृष्टि से देख लीजिए, तो उस समय अन्य सभ्यताओं की तुलना में जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समय के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से आगे थे। और टेक्नोलॉजी, तकनीक, इन सभी दृष्टि से भी माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा विकसित थे। और इसी कारण जो ये है, इस उस समय में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही मायने रखता है। परंतु अभी तक जिस चीज़ का पता नहीं चला है वो है कि इसका पतन क्यों हुआ। कई लोग कहते हैं कि इसका पतन का कारण ये है कि बाढ़ आ गई थी, परंतु अभी भी इसके अच्छे खासे जो सबूत हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। और ये काफ़ी अजीब लगता है कि जैसे कि सिंधु नदी के पास में के छोर पे ही जो ये सभ्यता है वह बसी हुई थी, तो कहा जाता है कि वहाँ बाढ़ आ गई और ये जो सभ्यता है उसका पतन हो गया। परंतु अगर अवशेष देखे जाएँ तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि अगर हम अपने इतिहास में बात करते हैं तो हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने माइंड में अगर देखा जाए तो इतनी बुद्धि विकसित थी लोगों की, किस तरीके से कैसा काम हो रहा है। जो आज हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वो इतने साल पहले होना बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर मोहनजोदड़ो जो है वो इसीलिए प्रसिद्ध है, और कई सारे जो अवशेष हैं अभी भी खोज जो है वो जारी ही है। तो अगर मोहनजोदड़ो से रिलेटेड अभी हाल ही में एक पिक्चर भी बनी है जो ऋतिक रोशन ने जिसमें मेन कलाकार अभिनय जो किया है। तो मैं तो बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि मोहनजोदड़ो जो है इतिहास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु मेन कारण जो है वो है इसका नगर निर्माण व्यवस्था और महास्नान घर, और यहाँ का जो जल निकासी व्यवस्था, इसके आभूषण, इसके वस्त्र, और एक चीज़ वहाँ पर जो अन्न भंडार है उसके लिए भी पाई गई है व्यवस्था कि लोगों ने जैसे कि सूती वस्त्र जो है उसके भी कई सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये भी पता लगाया गया है कि वहाँ पे कपास की खेती जो है उस समय की जाती थी तभी, और अन्न भंडारण की पूरी व्यवस्था जो है वो पाई गई है। तो इसीलिए मोहनजोदड़ो जो है वो फेमस है। इससे रिलेटेड और भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।